सो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने प्रैक्टिकल सीरीज क्लिनिकल एक्सपीरियंस के बेस पे के ऊपर शुरू की है, जिसमें हम अपने केसेस के एक्सपीरियंसेस प्रेजेंट करते हैं जो हमें अपनी क्लिनिक में हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि आप सभी के साथ वो क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकें, ताकि जैसे हम सीख रहे हैं उसी तरीके से आपको भी कुछ ना कुछ हिंट्स मिलें। उसी के साथ आज हम एक नया केस लेकर के आए हैं। इस केस की जो कंप्लेंट्स हैं, अगर हम उसको साइड में रखकर, यानी कि हमें इसकी कंप्लेंट्स को इम्पोर्टेंस ना दे करके, इसकी जो इस पेशेंट की जो फील है उसको सामने रख करके मेडिसिन प्रिस्क्राइब करनी है, जो मैंने बेसिकली प्रिस्क्राइब की थी इस मेडिसिन को, तो ये चीज़ें भी साबित करती हैं कि जो पैथोलॉजी है वो डिज़ीज़ का सिर्फ एक एस्ट्रैक्ट है, मगर उसके पीछे की जो स्टोरी है अगर वो हमारे पास है तो हमें उसको इम्पोर्टेंस देनी है, उसकी डिजीज को इम्पोर्टेंस ना दे करके। जैसे कि डॉक्टर बोगर ने अपनी साइनोप्टिक की जो मटेरिया मेडिका की है उसके प्रीफेज में उन्होंने लिखा है कि इफ यू फाइंड द एविडेंट कॉज, इफ यू फाइंड अ एविडेंट कॉज, अगर आपके हाथ में एक एविडेंट कॉज है या एक एविडेंट कॉज आ जाता है, तो डजंट मैटर वॉट एवर द डिजीज, वहां पर डिजीज क्या है वो मैटर नहीं करती, चाहे वो लाइपोमा हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो रीनल फेलियर हो, या कोई भी डिजीज हो, अगर आपके पास एग्जैक्ट कॉज है उस डिजीज के पीछे का या उस पर्सन का, तो आपने उस कॉज को नहीं छोड़ना है। कोई भी कंडीशन क्यों ना हो, अगर आप उस कॉज को छोड़ देंगे तो ये जो केस है आपसे मिस हो जाएंगे, जो फिर हम इस केस को क्योर नहीं कर पाएंगे अगर हम उसके पीछे के कॉज को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये एक ऐसा केस है जिसमें हमने प्राइम इम्पोर्टेंस उसके कॉजेशन को दी है। आइए हम इस केस के माध्यम से जानते हैं कि जो कॉजेशन का इम्पोर्टेंस होता है वो क्या होता है। और इसके बाद जो मेडिसिन निकल करके आई वो एकदम यूनिक थी, और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद जो रिजल्ट निकल करके आए बहुत ही शानदार रिजल्ट्स थे। एक नई मेडिसिन है ये, बेसिकली ये एक लाइपोमा का केस है, तो ये जो पेशेंट है ये लाइपोमा का कंप्लेंट लेकर के आया था, जो इसको 5 सालों से है, और उसने बोला कि अब कुछ कुछ लाइपोमास में इसको पेन भी होने लगा है, बढ़ते जा रहे हैं। उसने बोला था एक कान के पीछे उसको
लाइपोमा हुआ है उसमें काफी पेन उसको रहता है और एकदम से होता है कई बारी। मैंने उसको पूछा आप इसको ठीक क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा डॉक्टर ये अच्छा नहीं लगता और अब ये तो काफी बढ़ रहे हैं। मुझे लेफ्ट साइड में हार्ट की साइड में भी कई बारी प्रॉब्लम होती है, काफी पेन होता है और वो पेन इतना तेज होता है कई बार कि ये जो मेरा पूरा हाथ है ये पूरा इस पे नमनेस आ जाती है, सुन पड़ जाता है। मुझे दिन में कई बारी फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है। पेशेंट की ये जो कंप्लेंट्स जो उसने मुझे बताए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मुझे दिन में कई बारी फ्रेश होने के लिए जाना पड़ता है, जब भी कुछ खाता हूँ तो मुझे फ्रेश होने जाना ही पड़ता है। मैंने उसको बोला और कुछ, तो उसने बोला नहीं डॉक्टर इतना ही। मैंने कहा मन कैसा रहता है आपका? उसने कहा डॉक्टर मैं अपनी बातें किसी के भी साथ शेयर नहीं करता, क्योंकि जिस तरीके से मैं लोगों की मदद के लिए खड़ा रहता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स में, मेरा जो फ्रेंड सर्किल है जिस तरीके से मैं उनकी मदद के लिए खड़ा रहता हूँ वो मेरे साथ खड़े नहीं होते। जब मुझे उनके हेल्प की ज़रूरत होती है या तो वो रिप्लाई नहीं करते, मेरा कॉल पिक नहीं करते या कोई बहाना बना देते हैं। इस वजह से मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने साथ किसी शेयर नहीं करता। घर में भी मैं अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं करता किसी के साथ, क्योंकि मेरी चीजों को कोई समझता नहीं है। मैं हर किसी की हेल्प के लिए खड़ा रहता हूं, चाहे वो फैमिली में हो चाहे वो फ्रेंड्स में हो। तो इस पेशेंट के साथ उसका एक फ्रेंड भी आया था जिसका ट्रीटमेंट ऑलरेडी मेरे पास पहले से चल रहा है, उसको डायबिटीज है और वो उसी के रेफरेंस से ये आया था। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि डॉक्टर ये बहुत अच्छा लड़का है, बहुत ईमानदार है, बहुत लोगों की मदद करता है, लेकिन इसके सपोर्ट में कोई नहीं रहता, इस ये कई बारी बोलेगा नहीं और फिर एकदम से गुस्सा करेगा। मैंने उनको बोला आप शांत रहिए और इन्हें ही बताने दीजिए। तो उसने बोला डॉक्टर मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है जब कोई झगड़ता है, उससे मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ, जिससे भी जो करना है मैं उसको कभी भी नहीं रोकता टोकता, जिसे जो चाहिए मुझसे जो बन पड़ता है मैं उसके लिए करता हूँ, पर मैं झगड़ा नहीं चाहता, मैं शांति चाहता हूँ। अगर मैं हर तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार रहता हूँ, जो सिचुएशन है उसके बियॉन्ड जाकर के भी, क्योंकि मुझे झगड़ा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। जब कई बारी ऐसा नहीं हो पाता और वो झगड़े बार बार रिपीट होते हैं तो फिर मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आती है और मैं इस सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, मैं सिचुएशन से निकलना चाहता हूँ, मैं शांति चाहता हूँ, एक अच्छी लाइफ जीना चाहता हूँ। और जब ये चीज़ें मेरे साथ बार बार रिपीट होती हैं, मैं इसको सॉल्व नहीं कर पाता, तो फिर कहीं ना कहीं मैं एक डिप्रेसिव भी फील करता हूँ। तो इस पेशेंट का जो जिस तरीके से उसने ये जो स्टोरी बताई वो बहुत स्ट्रांग थी। मैंने उसको बोला आपने ये जो बताया कि आपको लेफ्ट साइड पे पेन होता है ये मोस्टली कब होता है?
उसने बोला, डॉक्टर जब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता, और जब बहुत लो फील करता हूँ, बहुत डिप्रेसिव फील करता हूँ, तब ये चीज़ें मुझे ज़्यादा होती हैं। तो उसके जो डिजीज के पीछे की स्टोरी है, आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो कॉज है, ये डिजीज का कॉज है, और यहां पर हमें इस कॉज को नहीं छोड़ना है। क्योंकि जिस तरीके से पेशेंट अपनी ये फीलिंग बता रहा था वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। जब हम केस लेते हैं, कई बारी केस बहुत लंबा भी चलता है, पेशेंट फर्स्ट टाइम में अपनी सारी जो बातें हैं वो कई बार ओपन नहीं करते, और हमें उनसे उनकी बातों को निकलवाने के लिए कई बार लंबी बातें भी करनी पड़ती हैं। लेकिन सपोज आपने आधे घंटे केस लिया, एक घंटे केस लिया, तो उस पूरे केस हिस्ट्री के टाइम में क्या चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं वो आपने रूल आउट कर, ठीक है? यहां पर आपको उसकी हर एक बात पे रूब्रिक्स नहीं बनाने। अगर आप ऐसा करते हैं तो वहां पर जो एक्चुअल, जिस तरीके से मेडिसिन का एक कोर होता है, उस तरीके से हर एक पेशेंट का कोर होता है, वो आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। सो मैंने यहाँ जिस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी वो थी क्वेरलिंग। इससे वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड लग रहा था। मैंने यहाँ पर जो रूब्रिक सेलेक्ट किए वो था क्वेरलिंग एलिमेंट्स फ्रॉम एग्रावेशन, एंड सेकंड रूब्रिक इज सैडनेस डिप्रेशन क्वेरलिंग आफ्टर। राइट, ये दोनों रूब्रिक्स लेने के बाद जो मेडिसिन निकल के आई मेरे लिए बिल्कुल नई थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसको अपने क्लिनिक में यूज किया था, दैट इज ट्रिटिकम वल्गैरिस। जनरली लाइपोमास के केस में हमें इतने फास्ट रिजल्ट्स नहीं देखने मिलते, काफी टाइम टेकिंग होते हैं, बट इस केस में ऐसा नहीं हुआ। मेरे पास उस वक्त 30 पोटेंसी में पड़ी हुई थी ट्रिटकम, और मैंने उनको एक डोज दिया और बाकी एसएल दिया। सेकंड, जब मेरे पास वो फॉलो अप आया, उसने बोला, मैम मुझे बहुत आराम है, मेरी ये जो गांठें उभरी हुई थी, ये जो बहुत ज़्यादा उभार दिख रहा था इनमें, ये पहले से काफ़ी कम लग रही हैं। एक उसको राइट साइड पे थी, उसने ऐसे छू करके बताया, मैम ये इतनी बड़ी पकड़ में आ रही थी गांठ, अब भी एकदम जरा सी रह गई है, सिर्फ फर्स्ट डोज देने के बाद ही। इतना फास्ट रिजल्ट देखने को मिला लाइपोमा में विद इन 1 मंथ फर्स्ट फॉलोअप में ही, बहुत शानदार रिजल्ट मिला। देन जब फर्स्ट फॉलोअप आया तो ट्रिटकम 30 देने के बाद फिर मैंने उसको ट्रिटकम 31 CH पोटेंसी दी, सिंगल डोज और SL 1 मंथ के लिए। सेकेंड फॉलोअप जब मेरे पास आता है तो वो कहता है, मैम मेरे कान के पीछे एक छोटा सा लाइपोमा था जो बहुत पेन करता था, एकदम कुछ सेकंड के लिए, और बहुत तेज पेन होता था, पर वो गांठ नहीं है। मैंने कहा, मेंटली कैसा फील कर रहे हैं? पहले से बहुत काम, बहुत रिलैक्स, काफी फर्क आया है मेरे स्वभाव में। सो दैट वाज अ केस, और ये मेडिसिन दी मैंने आपको। होप सो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, और ट्रिटकम को आप लोग भी पढ़ेंगे और अपने क्लिनिक में प्रिस्क्राइब करेंगे। मिलते हैं फिर एक नए क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ, एक नए केस के साथ। थैंक यू सो मच।